सावधान हो जाओ श्रीलंका, कप्तान सूर्या लेकर आ रहे हैं 10 साल पुराना खूंखार ओपनर। पहले ही T20 में लगा देगा श्रीलंका की वॉट। अभी से घबराने लगा, आज से 10 साल पहले किया था डेब्यू, अभी तक किसी ने नहीं कराई ओपनिंग। लेकिन सूर्या ने चल दिया बड़ा दांव, अब हर कोई रह गया है खरान। खड़े खड़े मारता है लंबे लंबे छक्के, अब लंका की खैर नहीं। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले के लिए श्रीलंका के खिलाफ 10 साल पुराने डेब्यू किए गए खिलाड़ी को ओपनर के तौर पर भेज दिया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को रौंदा, और अब भारतीय टीम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ होने वाली है। यह सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सीरीज में टीम इंडिया एक नए बदलाव को देख रही है। वो बदलाव है कप्तानी में, वो बदलाव है सीनियर खिलाड़ी के न होने में, और वो बदलाव है कोचिंग स्टाफ में। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद टीम इंडिया के लिए भारतीय टीम के 3 दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने संन्यास ले लिया था। उनके संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया के कोच का भी कार्यकाल खत्म हुआ और गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के कोच से अलविदा कहा। ऐसे में दोस्तों जैसे ही राहुल द्रविड़ ने कोचिंग स्टाफ से अपना पद यहां पर छोड़ा, तुरंत गौतम गंभीर ने पद को संभाला और सूर्य कुमार यादव को एज अ कप्तान अपॉइंट किया। सूर्य ने कप्तान बनते ही श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम में कई बड़े चेंजेस किए हैं। जैसे 3 मैचों की जो T20 सीरीज है, जिसका पहला मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा पल्ला किले में, उस मुकाबले के लिए टीम इंडिया यहां पर दोस्तों एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। सूर्य कुमार यादव 10 साल पुराने ओपनर खिलाड़ी को, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे प्रॉपर टीम में जगह नहीं मिलती है, उसको एज अ ओपनर बनाकर खिलाने वाले हैं। दरअसल जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं उसको सूर्य कुमार यादव भी बहुत पसंद करते हैं और उसके गौतम गंभीर भी बहुत पसंद करते हैं, और इसीलिए इस खिलाड़ी को ऊपर प्रमोट किया जा रहा है, और इस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन की बात करो दोस्तों तो टीम इंडिया के लिए इन्होंने डेब्यू T20 क्रिकेट में यहां पर दोस्तों 2015 में किया था, लेकिन उसके बाद से उन्हें लगातार मौके नहीं दिए गए। 10 साल लगभग बीतने को हो रहे हैं लेकिन संजू सैमसन को हर एक कप्तान ने केवल और केवल इग्नोर किया है। पर अब सूर्य कुमार यादव के कैप्टन बनने के बाद ऐसा नहीं होगा, और सूर्य कुमार यादव के कैप्टन बनते ही संजू सैमसन को टीम में जगह मिल गई है। टीम की बात करें दोस्तों, संजू सैमसन ने अभी तक 24 इनिंग्स में 444 रन बनाए हैं 133 के स्ट्राइक रेट से। इनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है T20 में, यहाँ पर दोस्तों IPL में काफी अच्छा करते हैं, पर लगातार मौके ना मिलने की वजह से संजू सैमसन का परफॉर्मेंस लगभग नीचे ही गिरता जा रहा है। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर दोस्तों संजू सैमसन को मौका दे दिया है, और फाइनली अब संजू सैमसन वो कमाल करके दिखाएंगे जिस कमाल का इंतजार हर कोई कर रहा है। ऐसे में दोस्तों अब T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की जो टीम है उसमें तो संजू सैमसन को जगह नहीं दी गई, पर संजू सैमसन को ओपन कराएंगे यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव, और बताया जा रहा है कि संजू जब ओपन करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी ऊपर जाएगा। आप किस पर क्या राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।